एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की होम डिलीवरी जैसे उपायों पर राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होम डिलीवरी क्या करवानी चाहिए शराब को लेकर के अब ये राज्यों पर निर्णय छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने को कहा है। याचिका में शराब की दुकानों में भीड़ का हवाला दिया गया था। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हैं। प्रभाकर, याचिका में क्या कहा गया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरा क्या कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसमें ये मांग की गई थी, उसमें बात कही गई थी कि जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी शराब की दुकानों को खोलने का, उस गाइडलाइन को, वो गाइडलाइन गलत है, वो गैर कानूनी है, उसे रद्द किया जाए और दूसरी गाइडलाइन जारी की जाए। और उसमें मांग की गई थी कि जो लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली हैं और उसमें जो फिजिकल प्रेजेंस हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है, इससे लॉकडाउन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए ऐसा आदेश जारी किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कहना चाहिए केंद्र सरकार ऐसा आदेश जारी करे कि शराब की होम डिलीवरी को दुकानों पर न बेची जाए, सीधे सीधे नहीं बेची जाए और होम डिलीवरी शराब की सुनिश्चित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन राज्य सरकारों से कहा है कि सरकारें इस बात पर विचार करें कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार इस पर विचार करें कि किस तरह से शराब की होम डिलीवरी की जा सकती है। उम्मीद ये थी कि शायद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट, याचिकाकर्ता को उम्मीद थी कि शायद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं पारित किया है। सरकारों पर जरूर इस बात को छोड़ दिया है, सरकारों ने जरूर कहा है कि सरकार इस पर विचार करे कि शराब की होम डिलीवरी सुनिश्चित कराई जाए। जी शुक्रिया आपका प्रभाकर इस पर जानकारी हमें देने के लिए। बढ़ते आगे, कोरोना लॉकडाउन में प्राइवेट कॉलेजों में छात्रों को फीस देने में छूट दिलाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर फीस नहीं मिलेगी तो कॉलेज चलेंगे कैसे, वो अपने स्टाफ को वेतन कहां से देंगे, दोनों पक्षों के बारे में सोचना होगा। तो लॉकडाउन में प्राइवेट कॉलेजेस में फीस छूट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन इस मामले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये कहते हुए फीस नहीं मिलेगी तो कॉलेज कैसे चलेंगे। और अब खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के डीएम ने दिल्ली जाने वाले डॉक्टरों को वहीं पर अस्थायी तौर पर रहने की अपील को पलट दिया है। डीएम ने सीएमओ की तरफ से जारी पत्र को निष्प्रभावी कर दिया है। दरअसल सीएमओ ने पत्र में आरडब्ल्यूए से अपील की थी कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले डॉक्टर दिल्ली में ही रहें और जिले में ना आए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पत्र का विरोध किया था। आईएमए ने कहा था कि ये आदेश डॉक्टरों का मनोबल गिराने वाला है। ये भी तर्क दिया गया था कि आदेश पैरा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों को आरडब्ल्यूए के खिलाफ खड़ा कर देगा। सीएमओ ने अपील करते हुए डीएम को पत्र लिखा था कि गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले डॉक्टर दिल्ली में ही रहें। उनका तर्क था डॉक्टरों के दिल्ली आने जाने से जिले में संक्रमण बढ़ सकता है। बहरहाल अब डीएम की दखल के बाद सीएमओ ऑफिस की तरफ से सफाई आ गई है। सीएमओ का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सलाह दी थी, कोई आदेश नहीं था ऐसा, और ऐसे में सलाह वापस भी ले ली गई है क्योंकि आदेश ही पलट गया। आपको पता है कि गाजियाबाद में किस तरीके से लगातार मामला बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि गाजियाबाद में धारा 144 31 मई रात 12 बजे तक के लिए लागू कर दी गई है।